माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, 2 मिनट है सर। माननीय सतीश, मानवर मैं चाहता था भूपेंद्र यादव जी यहाँ होते, लेकिन वो नहीं है, आ जाते। नहीं, आप बोले, बात पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, समय चुकी, इसलिए मैं चाहता था कि उनकी मौजूदगी में बोल रहे, आप किसी और बुलवा दिए। आप रिकॉर्ड नहीं, आप लास्ट वक्ता है, माननीय जी हैं आपके लिए, माननीय मंत्री जी का रिप्लाई, प्लीज आप बैठे। नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मुझे, मैं सुन रहा था उनका भाषण जब वो बोल रहे थे, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो, और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन का उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं ये एडमिट करता हूँ। लेकिन उन्होंने आज एक बात ऐसी कह दी अपने वक्तव्य में, जब हमारे साथी ने कुछ इधर से कमेंट किया, वो शायद कमेंट जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिएक्शन में एक बात कही जो कि रिकॉर्ड में चूंकि आ गई, इसलिए मैं समझता हूँ उसको सही करना ज़रूरी। उन्होंने कहा कि नागराज के केस के बाद उन्होंने कहा कि उसमें जो है BSP के ऊपर कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं उनसे ये चाहूँगा कि हमको ज़रा सा वो पैराग्राफ पढ़ के सुना दें, या आ गए भूपेन जी, मैं उन्हीं की मौजूदगी में बात करना चाहता था, जिससे कि ये ना हो कि मैं पीठ पीछे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा BSP के ऊपर, उन्होंने हमलावर होते हुए ये कहा कि आप खुलवाइए नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी की गई। मान्यवर, ये पूरे सदन को, लोकसभा को, राज्यसभा को, सभी को मालूम है कि जिस जजमेंट का वो जिक्र कर रहे हैं, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने किसी गवर्नमेंट के ऊपर टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने संविधान का जो प्रोविजन था उसको उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए, और जो 11 जजेस, वो 13 जजेस की बेंच थी, उसको ओवर रूल करते हुए 5 जजेस ने एक निर्णय दिया और कहा कि इनका यहाँ पर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि इनको कितनी क्वांटिफिकेशन है और इनको कितना वहाँ पर एडवांटेज मिल रहा है, कितने लोग उसमें ऑलरेडी हैं कि नहीं, इस तरह की बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो वो किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं थी। उसके पहले इसी चीज़ का लेके हिमाचल प्रदेश और एक और प्रदेश का जजमेंट आ चुका था। मान्यवर, हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पर बात उठाई, लोकसभा में उठाई, राज्यसभा में उठाई, हमारी पार्टी की लीडर ने उठाया और कहा कि इसमें संविधान का संशोधन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इसमें रिव्यू फाइल करना चाहिए, लेकिन रिव्यू नहीं फाइल हुआ। और उसके बाद संविधान संशोधन के लिए जब हम लोग आंदोलित हुए, हम लोगों ने बात उठाई, तो संविधान संशोधन के लिए बिल यहाँ पर लाया गया और इसी बात का संविधान का संशोधन मिले। मान्यवर, मैं चाहूँगा भूपेंद्र यादव जी उस बिल को उठा के देख लें, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट को, जिस जजमेंट में उन्होंने एक नई चीज़, नई व्यवस्था करी थी, उसको ख़त्म करने के लिए और जो सही व्यवस्था थी उसको लागू करने के लिए संविधान का संशोधन बिल आया था, और वो राज्यसभा में किस तरीके से पास हुआ था पूरे देश ने देखा था। और यहाँ से पास होने के बाद जब लोकसभा में गया था तो भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति ने खड़े होकर के उसको अपोज किया था और उस बिल को पास नहीं होने दिया। और आज तक, आज 8वां साल चल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में, उसके पहले कांग्रेस पार्टी थी, हम लोगों ने 8ों साल हमने बात उठाई, जब जब मीटिंग हुई ऑल पार्टी मीटिंग की, उसमें मैंने स्वयं उठाया कि ये बिल कहाँ पर पड़ा हुआ डस्टबिन में, इसको निकालिए और इसको भी लेकर के आइए और इसमें भी बहस कराइए, इसको पास कराइए, जिससे कि पूरे देश के जो दलित लोगों के साथ में अन्याय हुआ है वो खत्म हो सके। लेकिन वो बिल आज तक नहीं लाया गया, और क्यों नहीं लाया गया इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और अभी की तत्कालीन जो सरकार है वो जवाब देना चाहेगी। मानवर, एक चीज़ और कहकर अपनी बात खत्म करूँगा कि भूपेंद्र यादव जी से मैं ये भी चाहूँगा कि इन्हीं की सरकार है यहाँ पर उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आज के रोज जो आदेश जारी हुआ है, गवर्नमेंट ने आदेश किया कि कोई रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का नहीं होगा, किसी भी जगह शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं होगा, ये वहां पर कानून व्यवस्था चल रही है। और आज के रोज उन्होंने, अभी तक क्वांटिफिकेशन की बात छोड़िए और चीजों की बात छोड़िए, अमेंडमेंट की बात छोड़िए, लेकिन उत्तराखंड में देर इज नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो इसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी या BSP देगी? और इतना ही नहीं, इसके पहले ये कांग्रेस पार्टी में लौट, जो लोग हमारे साथ में इधर राइट साइड बैठे हैं, इनकी सरकार से ये सिस्टम शुरू हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया कि ये रिजर्वेशन क्यों खत्म कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब आई उन्होंने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। समय बहुत, हमारा ये कहना है कि जहां तक ये बिल है उसके संबंध में जो सबने चर्चा करी दी उसके बारे में, लेकिन मैं इसलिए सिर्फ आया था क्योंकि मैंने, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, रिगार्ड्स करता हूं, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी वजह से मुझको मजबूरन अपनी बात ये कहनी पड़ी। धन्यवाद। प्लीज, दो वाक्य कहूंगा। पहला विषय मैं कहूंगा,
कि सतीश मिश्रा जी बीएसपी के सदस्य जब मैं भाषण दे रहा था तो उन्होंने कहा भाजपा ने मंडल का विरोध किया। मैंने उनको तब भी लोकसभा की डिबेट पढ़ने को कहा, मैं आज भी बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रिजर्वेशन के समर्थन में रहा। इस पे एक तो आपकी पार्टी की वो भी अगर कोई रिकॉर्ड आपके पास है तो आप लाइए, मैंने उनको लोकसभा की डिबेट पढ़ने को कहा। दूसरा, जब प्रमोशन एंड रिजर्वेशन पे राज्यसभा में बहस आई थी, जो पैराग्राफ मैंने आज कोट किया है वो एज इट इज ही मेरी उस स्पीच में भी है, और अगर कोई आप रिकॉर्ड रखने को कहेंगे तो वो विषय, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा मेरी जो वो स्पीच है वो राज्यसभा की वेबसाइट पे है, आप भी उस समय सदन में थे, मैं भी उस समय सदन में था, आप उसको उठा के पढ़ लीजिए, मैं उसी को पुनः रिट्रेट कर रहा हूँ। धन्यवाद। माननीय थावरचंद जी, रिप्लाई।